शाहरुख खान का लकी चार्म है लाडला अबराम। अबराम के बर्थडे से पहले केकेआर ने चैंपियन का खिताब किया अपने नाम। 11वें बर्थडे पर अबराम को मिला पापा की टीम की जीत का तोहफा। केकेआर की जीत और अबराम के जन्मदिन ने दोगुनी की किंग खान की खुशियां। जी हाँ, किंग खान और उनका पूरा परिवार इस वक्त खुशियों के सातवें आसमान पर है। शाहरुख खान की खुशियों का तो अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। आखिर पूरे 10 साल के बाद शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का लंबा इंतजार जो खत्म हुआ है। 26 मई की शाम हुए खिताबी फाइनल मुकाबले में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से करारी हार दी। और उससे भी ज्यादा खास बात तो ये है कि केकेआर की ये खिताबी जीत उनके छोटे लाडले अबराम खान के 11वें जन्मदिन से ठीक पहले आई है। जी हाँ, आज यानी 27 मई को शाहरुख खान और गौरी खान के छोटे शहजादे अबराम खान 11 साल के हो गए हैं। अबराम के 11वें जन्मदिन से ठीक पहले शाहरुख को उनकी टीम की खिताबी जीत का शानदार तोहफा मिला है। ऐसे में शाहरुख खान और उनके पूरे परिवार के लिए डबल सेलिब्रेशन का मौका है। अबराम का जन्मदिन तो वैसे भी किंग खान और उनकी बेगम गौरी के लिए बेहद खास मौका होता है, लेकिन तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बन उनकी टीम केकेआर ने इन खुशियों को दोगुना कर दिया है। कहा जा सकता है कि अबराम को अपने 11वें जन्मदिन पर तोहफे के तौर पर केकेआर की जीत मिली है। खुद अबराम की बड़ी बहन सुहाना खान ने पापा की इस टीम की जीत को छोटे भाई अबराम के नाम किया है। आपको बता दें कि शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम खान स्पोर्ट्स लवर हैं। पापा के साथ अबराम अपनी टीम के हर आईपीएल मैच का हिस्सा बनते हैं। बीते दिन भी अबराम अपने पूरे परिवार के साथ आईपीएल फिनाले में मौजूद रहे थे। स्टेडियम स्टैंड्स में अबराम मैच एंजॉय करते नजर आए थे। तो वहीं जब केकेआर के जीतते ही शाहरुख खुशी से झूमे तो अबराम ने पापा के गले लगकर उन्हें जीत की बधाई दी थी। वहीं कई फैंस तो ऐसे भी हैं जो इस शानदार विक्ट्री के लिए अबराम को शाहरुख का लकी मैस्कॉट बता रहे हैं। फैंस का कहना है कि अबराम का 11वां जन्मदिन शाहरुख खान के लिए इतनी बड़ी जीत का मौका लेकर आया है। आपको बता दें कि यूं तो शाहरुख खान अपने तीनों बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। आर्यन और सुहाना भी अपने पापा के बेहद करीब हैं, लेकिन शाहरुख के दिल की धड़कन कोई और नहीं बल्कि लिटिल अबराम है। पापा की कार्बन कॉपी अबराम हमेशा अपने पापा का साया बने रहते हैं। ईद हो या फिर जन्मदिन या फिर जश्न का कोई और मौका, शाहरुख हमेशा अबराम के साथ ही अपने फैंस को दीदार देते हैं। तो वहीं अबराम भी अपने पापा शाहरुख खान को अपना आइडियल मानते हैं। करीब 2 महीने पहले अबराम ने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के दौरान स्टेज पर पापा के आइकॉनिक पोज को दोहराया था। अबराम के इस अंदाज को देख ऑडियंस में बैठे शाहरुख और गौरी भी खुशी से फूले नहीं समाए थे। अबराम के स्कूल परफॉर्मेंस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई थी, जिन्हें देखने के बाद फैंस ने ये तक कह दिया था कि बॉलीवुड में अबराम ही शाहरुख की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।